शर्मा या साथियों, आप सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल एपी व्लॉग में स्वागत है भाई। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको हमारे शर्मा जी जो हैं, पवन कुमार शर्मा, उनको आप जानते होंगे, पिछले ब्लॉग में आप लोग उनके अच्छी तरीके से देखे होंगे। ये हमारे साथ में शिशु, क्या नाम है आपका? आराध्य मिश्रा। आराध्य मिश्रा, ये मतलब गाँव का नाम का शिशु चलता है। और ये हमारे शर्मा जी जो है फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस वाला चैनल चलाते हैं, पवन शर्मा फिटनेस। अब ये आपको दिखाएंगे ईंटा तोड़ की, ईंटा तोड़ के आपको दिखाएंगे। और वो है अनुराग, इधर हाँ बोलो। ये हमारे भाई फुल्लन भाई आ गए, ये आप लोगों को बताएंगे अपनी बसंती को चराने लाए हैं अपने यहाँ पे। वो आ रही इनकी बसंती, आप लोग जूम करके दिखा रहे हैं। वो भाई इनका साथ नहीं छोड़ती, इतना प्यार है इनसे। हाँ तो भाई हमारे पवन शर्मा ईंट को तोड़ने जा रहे हैं। भाई तोड़ के दिखाओ शर्मा जी, जरा ईंट को तोड़ के दिखाएंगे। बिना अभ्यास आप ईंट को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैंने 6 महीने अभ्यास किया, जूडू कराटे की ट्रेनिंग ली है, तो मैं ईंट की ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे जैसे ईंटें तोड़ी जाती है। हम दूसरे चैनल में वीडियो बनाए हैं फंठी तोड़ने की ट्रेनिंग, लकड़ी को तोड़ना, 1 इंच मोटी लकड़ी थी उसे हम तोड़ के भी दिखाएं, अब ईंटा को तोड़ कर दिखाएंगे। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा आपका, हम ईंट को तोड़ के दिखाएंगे। चलो ये शर्मा जी तोड़ दी ये। तो भाई जी इन्होंने बहुत काफी दिन से प्रैक्टिस की है इस एक्सरसाइज की। तो भाई जी ये आए थे अपना फिटनेस का वीडियो बनाने, इनको काफी दिक्कत हुई है, लाइट यहाँ पे चली गई है। बताइए कुछ क्या कहना चाहते हैं आप, कहो कुछ तो, कहो कुछ तो कहो। अब हम फंटी तोड़ के दिखा रहे हैं 10 मिनट। तो भाई अब ये शर्मा जी फंटी तोड़ के दिखाएंगे, आज आप लोगों को वही ट्रेनिंग दिखाने जा रहे हैं। फंटी तोड़ के दिखाने आए हैं, दूसरी लोकल वाला मामला यहाँ नहीं है कुछ। ये गाइज तो ये इस तरीके से करेंगे, फंटी है करीब 5 mm मोटी है। हाँ इसको तोड़ के दिखाएंगे भी आराम से, ठीक। देखिए रुकिए रुकिए, ये सब लोकल है, ये शर्मा जी सब झूठ बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा लोकल है। सो गाइस हमें लग रहा है चीटिंग होने वाली है भाई। ये वाली देखिए हम खड़े होकर, अरे रुकिए गुमराह करने वाली भाई, हमारा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं, आपको एंटरटेन करना है। खड़ा हो गया, देखिए खड़े हो गए, ये देखो हमारे फिटनेस ट्रेनर से खड़े हो गए पवन शर्मा जी, खड़े हो गए 50 किलो वजन है हमारा, खड़े हो गए इस पे। अब इसको तोड़ के दिखाएंगे, अब ये तोड़ने वाले भाई, देखते रहिए बिना अभ्यास करने की कोशिश मत करिए। भाई अगर आपकी पलक झपकी तो यार बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ये हमने पकड़ के रखी है साइड में, 50,000 रुपए लेंगे, ये ओरिजिनल है। इससे तोड़े या इससे? नहीं नहीं नहीं, आप उसी तोड़, हथेली से तोड़िए। नहीं हथेली से तोड़िए आप, वरना इंजर्ड हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हाथ से तोड़िए जो पिछला तोड़े थे। हाँ यही यही, हाँ इसकी आपने 3 साल की ट्रेनिंग ली है वहाँ से। अरे हमने जूडो कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट, बीच से जुड़ना जी। हाँ हाँ बैठ नहीं, ढंग देखो, तोड़ दिए इनकी स्ट्रेचिंग पूरी खुल जाती है भाई। बहुत अच्छे शर्मा या ओ, 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 या यार चोट लग गया भाई शर्मा जी, एंटरटेनिंग का मतलब दोबारा फिर से अगेन 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 आता ये सब। वन मोर बढ़िया हमारा जो है वन मोर भाई, फंटी जो लोहे की रख दी गई थी उसके लिए सॉरी, दर्द हो रहा है इनको, मर दिखी अभी दर्द नहीं होता, फट गया। देखते एक बार अगेन करिए, काफी इमोशनल हो गए हमारे शर्मा जी। भाई आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, पवन शर्मा फिटनेस। तो भाई ये भाई हमारे फुल्लन भैया है, ये दीपिका पादुकोण के बहुत बड़े फैन हैं, उस हीरोइन के चक्कर में अपना फिगर बनाने आए हैं, रस्सी कूद रहे हैं यहाँ पे। तोड़ दे रहे हो अरे शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको? अरे चोट लगी पता है,
सही से हाथ पड़ा नहीं, टूट हाथ में छोड़ा। हाँ, टेक्निक से होता है सारा काम। हाँ, टेक्निक थोड़ा बन नहीं पाई, उसी में हाथ रहने वगैरह बनाया गया इनका। कौन सा अगले वीडियो में अवश्य हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, इससे मोटी लकड़ी लाएंगे, इसे हम तोड़ के दिखाएंगे। बस अगले वीडियो में दिखाएंगे लोकल वाला। अगर लोकल है, लोकल है तो हमारे चैनल में आइए, हम दिखाएंगे तुमको लोकल है कि असली है। हमारे हम खड़े होकर इस लकड़ी पे खड़े होकर हमने तोड़ा था, उस खड़े होकर चेक किया, चेक किया था, उसके बाद जोड़ा था। चेक किया। तो गाइस यहां पे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंटरटेनिंग था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।